वर्ष 2024 के मई के मध्य में दक्षिणी अफ्रीका से आई इस खबर ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया कि राजधानी केप टाउन को विश्व का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया। 2018 की शुरुआत में ही केप टाउन के लोगों को इस आशय की चेतावनी दे दी गई थी। दरअसल यहां 3 वर्षों से लगातार पड़ने वाला सूखा इस खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था कि फरवरी 2018 में ही डे जीरो के तहत सारे नलों से पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। उस समय हालात ऐसे हो गए थे कि नागरिकों को सप्ताह में केवल 2 बार नहाने का आदेश दिया गया था, साथ ही शौचालय में फ्लश के लिए टंकी के पानी का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आखिरकार मई 2024 में दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी केप टाउन को विश्व का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया। अब यहां पुलिस और सेना की सुरक्षा में संचालित 200 जल आपूर्ति केंद्रों से केवल 25 लीटर पानी प्रति परिवार को दिया जा रहा है। भीषण जल संकट और इससे उपजी अराजकता के कारण सरकार ने यहां पानी के निजी इस्तेमाल की सीमा 87 से घटाकर 50 लीटर प्रतिदिन कर दी है। अब जीरो डे के तहत केप टाउन में 75% घरों की पानी की सप्लाई काट दी गई है, यानी 10 लाख से ज़्यादा घरों को पानी मिलना बंद हो चुका है। यहाँ सिंचाई में भी पानी का उपयोग नाम मात्र ही किया जा रहा है। इसी संकट के बीच समुद्र के पानी को साफ करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अब यहाँ नलों और नालियों के गंदे पानी को भी रिसाइकल किया जाना शुरू हो गया है। तो क्या पूरा विश्व केप टाउन जैसे जल संकट का सामना करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? यदि कुछ दिन पहले जारी की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की चेतावनी पर नजर डालें तो संयुक्त राष्ट्र ने आगाह कर दिया था कि 2025 तक दुनिया के 1 अरब 20 करोड़ लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जल संकट इस कदर पूरे विश्व में मचेगा कि पूछिए मत, और इसी संकट की शुरुआत हो चुकी है। कुछ समय पूर्व सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु में जल संकट का समाचार मिला। 1 करोड़ 30 लाख आबादी वाले बेंगलुरु में अमीरों गरीबों को एक साथ हाथों में बाल्टियां लिए सूखे पड़े नलों और टैंकर्स के पास लंबी कतारें लगाए देखा गया। यहां तक कि सरकारी अस्पतालों में भी हवा से पानी बनाने की मशीन लगानी पड़ी। परंतु ऐसा लगता है कि यदि पृथ्वीवासी हम आमजनों ने पानी की बर्बादी करने वाली अपनी दिनचर्या न बदली और न ही जल संरक्षण पर ध्यान दिया तो नतीजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी यह चेतावनी 2025 तक दुनिया के लगभग 1 अरब 20 करोड़ लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह सही साबित होने में अब ज़्यादा वक्त नज़र नहीं आ रहा है। पहाड़ों पर तेज धार से बहने वाली शीतल जल के अनगिनत झरने जो झरने थे बहते देखे गए हैं। उन झरनों पर लगने वाली भीड़ लोगों को वहां खड़े होकर अपने वाहनों की धुलाई करने, नहाते, कपड़े धोते, मस्ती करते, फोटो सेशन कराते और कहीं कहीं तो फिल्में शूट होते भी देखा जा सकता है। इन्हीं जगहों पर कुछ गरीबों को मक्के की छल्ली बेचते, चिप्स और चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, टॉफी बेचते भी देखे गए हैं। परंतु अत्यंत दुखद है कि विगत 2 दशकों से झरनों के सूखने का यह सिलसिला अब देखा जा रहा है कि वही अनगिनत झरने पूरी तरह सूख गए हैं। ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर इकट्ठी बर्फ पिघल चुकी है, ग्लेशियर सूखे पड़े हैं, नदी जल का मुख्य स्रोत समझे जाने वाले अधिकांश पहाड़ी चश्मे सूख चुके हैं, झरना स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां झरना स्थलों पर लोग मस्ती करते थे आज वहां सन्नाटा पसर गया है। पहाड़ों की हरियाली खत्म होती जा रही है। इसी संकट के परिणाम स्वरूप देश की तमाम नदियां सूखती जा रही हैं। मीठे पानी की कमी का दुष्प्रभाव हिमाचल प्रदेश जैसे जल स्रोत वाले प्रमुख राज्य में दिखाई देना भारी संकट की ओर इशारा करती है। शिमला के आगे फागू घाटी के एक होटल में रुकने पर होटल मालिक ने साफ कह दिया कि यहाँ पानी की कमी है। सुबह को केवल फ्रेश होने के लिए टंकी से पानी थोड़ी देर के लिए चलेगा, परंतु नहाने धोने के लिए पानी नहीं है। पीने के लिए बोतल का पानी उपलब्ध है। हिमाचल के नारकंडा में स्थित सुलभ शौचालय जल रहित है और बदबू फैली हुई है। सांगला में पानी का काल पड़ा हुआ है, जबकि सामने कलकल करती नदी बहती जा रही है। पहाड़ों पर
पानी का अकाल भविष्य के संभावित जल संकट की याद दिलाकर अत्यंत विचलित और चिंतित कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के कारण इसका कोई तात्कालिक जादुई समाधान तो नजर नहीं आता, परंतु प्रत्येक व्यक्ति और सरकारों को इस दिशा में कुछ न कुछ कोशिशें तो करनी चाहिए, तभी हम जल संकट से बच सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी जल संकट को समझें और घरों में पानी को बर्बाद ना होने दें, तभी जल संकट से हम निपट सकते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।